जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ बॉलीवुड के महान सिंगर कुमार सानू जी की फाइट यानी कि जुगलबंदी एक छोटे से बच्चे अबीर वब के साथ में। दोनों में से किसकी आवाज़ ज़्यादा प्यारी है, कौन ज़्यादा अच्छे सुर लगाता है, कौन ज़्यादा अच्छे से गाना गाता है, यही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो पहले मैं कुमार सानू जी की परफॉर्मेंस दिखाऊंगा, उसके बाद में अबीर वब की परफॉर्मेंस दिखाऊंगा। आप लोग दोनों की परफॉर्मेंस देखकर मुझे ये बताइएगा कि दोनों में से कौन जीता और कौन हारा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कैसे है बिन आप के, जी तो जी कैसे है बिन आप के। गजब की फीलिंग आती है दोस्तों कुमार सानू जी की आवाज में। चलिए अब दिखाता हूँ आपको अबीर वब की परफॉर्मेंस। बहुत ही प्यारी आवाज़ है दोस्तों अबीर वब की। चलिए बात कर लेते हैं दोनों की कंपेयर की कि दोनों में से किसकी आवाज़ ज़्यादा प्यारी है, किसने ज़्यादा अच्छे सुर लगाए और किसने ज़्यादा अच्छे से गाना गाया, दोनों में से कौन जीता कौन हारा। तो सबसे पहले मैं बात करूँ कुमार सानू जी की, तो कुमार सानू जी बॉलीवुड के एक महान सिंगर हैं और इनकी आवाज़ में इतनी ज़्यादा फीलिंग और इतने ज़्यादा इमोशन आते हैं कि सुनने वाला इनकी गायकी में खो जाता है, मदहोश हो जाता है। और वैसे भी कुमार सानू जी के पास कम से कम 40-50 सालों का रियाज और तजुर्बा है, इसी वजह से इनकी आवाज़ इतनी ज़्यादा प्यारी है। लेकिन वहीं बात करूँ मैं अबीर वब की, तो अबीर वब मात्र 7 साल के एक छोटे से नन्हे से बच्चे हैं और इनको हिंदी भी नहीं आती है और इनके पास इतना ज़्यादा रियाज और इतना ज़्यादा तजुर्बा भी नहीं है जितना कि कुमार सानू जी के पास में है। उसके बावजूद भी इतने गजब के सुर लगाते हैं और इतनी प्यारी आवाज़ अबीर वब की कि सुनने वाला इनकी वाह वाह करने लगता है, इनकी तारीफ करने लगता है जब भी इनके गाने को सुनता है। तो मुझे यहाँ पर अबीर वब की आवाज़ और अबीर वब के सुर ज़्यादा अच्छे लगे कुमार सानू जी की अपेक्षा। लेकिन आपको इन दोनों सिंगरों में से किसकी आवाज़ और किसके सुर ज़्यादा अच्छे लगे और आपके हिसाब से कौन जीता कौन हारा, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आप कमेंट का वेट करूँगा।